पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार हम 6 की 6 सीट सोनीपत जिले से निकाल ले जाएंगे। ये कहना है गोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जगवीर मलिक के बेटे गौरव मलिक का। गौरव मलिक आज गोहाना विधानसभा क्षेत्र के भटाना गांव में जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खबर तहलका की संवाददाता काव्या मिश्रा से और भी कई मुद्दों पर बात की। देखिए क्या कहना है उनका। नमस्कार, खबर तहलका में आपका स्वागत है। मैं हूं काव्या मिश्रा और आज हम हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र के भटाना गांव में और हमारे साथ हैं यहां के प्रत्याशी जगबीर सिंह मलिक के बेटे गौरव मलिक। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप अपने पापा के लिए प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि मलिक साहब पिछले काफ़ी समय से यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं और जीतते आए हैं। जो मलिक साहब ने सुधार कार्य करे हैं, जो भी हल्के में काम करा है, उसकी सबको लोगों में चर्चा है। आज सबको हम बता रहे हैं कि मलिक साहब ने जो जो कार्य किए हैं इस हल्के के लिए, और बहुत ही भारी जनसमूह और बहुत ही समर्थन मिल रहा है हर गाँव में हमें कि हाँ भाई, कि सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग सब मिलके कि हाँ जी, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और जगबीर सिंह मलिक जी को जिताना ही है पूरे हल्के में से। सर, मतलब जैसे ये सोनीपत का क्षेत्र है, कहा जाता है कि मतलब ये कांग्रेस का गढ़ है, मतलब बीजेपी का तो बहुत ही कम यहाँ पे है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग अपना गढ़ पूरी तरीके से बचा पाएंगे? हम बचा नहीं पाएंगे। पिछली बार 5 सीट निकली थी, इस बार हम 6 की 6 सीट सोनीपत से निकाल के दिखाएंगे। और जो पिछले 5 साल में इस सरकार से लोग दुखी हुए हैं, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पास में IIIT की लोढ़त की नींव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रखी थी आज से 5 साल पहले। इस सरकार ने उस 5 साल में एक भी ईंट नहीं लगाई और एक भी विकास कार्य इस एरिया में नहीं करा। तो ये सभी इसी बात से सभी दुखी हैं। सभी किसान वर्ग दुखी है आज के समय पे, व्यापारी वर्ग दुखी है, सब मजदूर कामगार वर्ग दुखी है। भारी भारी चालान काटे जा रहे हैं व्यापारियों के लिए, खाद के कट्टे के रेट बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उनका वजन घटाया जा रहा है। इस सब चीज़ों को देख रहे हैं और जो शोषण हुआ पिछले 5 साल में, सभी पूरी जनता उस बात से बहुत दुखी है और इसीलिए चाहते हैं वापस हुड्डा साहब वाला और कांग्रेस सरकार वाला राम राज्य वापस लौटे। सर, आप जैसे घर घर प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता आपका कितना समर्थन कर रही है? जनता भारी बहुमत से मलिक साहब को जिताने का काम करेगी और इस बार हम गारंटी लेते हैं पिछली बारी से डबल से भी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे इस हल्के से। और सारी जनता है, ये देख रही है, यही सबसे वो प्रिय है। और मलिक साहब तो हमेशा इनके सुख दुख के साथ ही रहे हैं। कभी भी 5 साल तक मलिक साहब ने राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज हो ना हो, हमेशा मलिक साहब गाँव के बीच में आते जाते रहे हैं, उनके विकास कार्य उनके दुख और सुख के साथ ही रहे हैं। सर, मतलब आपने यहाँ के लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए क्या सोचा? यहाँ के कुछ गाँव में पानी की समस्या है, उस पानी की समस्याओं को दूर करा जाएगा। पहले भी काफ़ी मलिक साहब ने पिछले राज में पानी की समस्या है, नैना ततारपुर में स्पेशल लाइन दबवा के पानी पहुंचाया गया था बड़वासनी गांव के माइनर से, और भी जगह पहले कुछ एरिया की पानी की समस्या पहले हटाई गई थी, अब फिर और ज़्यादा जो गाँव में पानी की समस्या उसे। और आज के समय में जो बेरोज़गारी सबसे बड़ी हमारे हल्के की चिंता है, इस हरियाणा पूरे हरियाणा राज्य की चिंता है। पिछले 5 साल में हरियाणा राज्य में बेरोज़गारी का दर यूपी और बिहार से भी ज़्यादा बढ़ गया है। सभी युवा आज नाराज़ हैं। कुछ समय पहले देखा SDO की भर्ती हुई थी, SDO की भर्ती में हरियाणा राज्य के SDO भर्ती हो रहे थे और उसमें 80 वैकेंसी में सिर्फ 2 हरियाणा के बच्चों को जगह मिली थी। ये खुद सरकार ऐसा युवा के साथ भेदभाव कर रही है, खुद युवा के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, बेरोजगारी दर बढ़ा रही है, खुद अपनी जान करके बढ़ा रही है। तो उसे ये सोचना चाहिए सरकार को कि जो हरियाणा के राज्य का हरियाणा के बच्चों का हक है वो दूसरे बच्चों को दे रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इन युवाओं को, बेरोजगारों को जो रोज़गार दे, सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी जो बेरोजगारी दर बढ़ी है इसे कम किया जाए और युवाओं को रोज़गार दिया जाए। तो मतलब सर, आपका कहना है कि जगबीर मलिक इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले? ये बड़े बुजुर्ग हैं, इन सबका साथ रहेगा और इन सबका आशीर्वाद रहेगा, तो हल्का से बहुत बिल्कुल कोशिश करेंगे। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।